नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रेल न्यूज हरियाणा के साथ। और ये है हिसार रोड, बिल्कुल गांव सुमैन के नज़दीक जो पाइप रखे गए हैं रोड के नीचे से दबाने के लिए, यहां पर आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, क्योंकि जो पाइप हैं वो रोड पर रखे गए हैं। पहले भी ठेकेदार को सूचित किया जा चुका है, और लेकिन ठेकेदार की बड़ी लापरवाही के कारण यहाँ आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी है इनसे भिड़कर, क्योंकि जब आगे से लाइट पड़ती है तो दूसरी गाड़ी वाले को दिखाई नहीं देता और रोड पर पड़े पाइपों से जा टकराती है। तो आप देख सकते हैं H429AB नंबर है गाड़ी का, तो देख सकते हैं किस तरह से, कितनी भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, कभी मोटरसाइकिल का, कभी गाड़ियों का। तो एक बड़ी लापरवाही मैं कहूँगा ठेकेदार की है, और अपील भी करेंगे कि इनको यहाँ से हटाए जाएं ताकि और हादसा ना हो। यहाँ पर लगातार जो हादसे हो रहे हैं इनकी बड़ी वजह यही है कि रोड पर रखे गए हैं। ठेकेदार से अपील है, प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है, PWD के अधिकारियों से अपील है, या तो इनको यहाँ पर लगा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि लगातार ये हादसे हो रहे हैं जो किसी न किसी की जो ज़िंदगी है वो ले लेंगे, जिसके कारण एक बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता है। तो अपील यही रहेगी। तो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं, गाड़ी का नंबर H429AB 1932 नंबर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी इतनी ज़बरदस्त लगी है कि जो इतना बड़ा पाइप था वो चकनाचूर कर दिया है, बुरी तरह से जो यह हादसा हुआ है। अपील रहेगी ठेकेदार से, PWD अधिकारियों से, कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का जो समाधान है वो करें। सारा पत्थर तोड़ दिया, कितना घुमाया, लेकिन यह पाइप स्कोडा बगाडी क्या ना छेड़ दो लग, सारा टूट गया, इंजन पिंजन सब बना दिया, पाइप पड़िया रोड के बीच में, चौथा पांचवा हादसा है।